रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में जब मस्जिदें आबाद रहती थीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। सभी मुसलमान अपने घर में रहकर रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ऐसे में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर खालिद टीपू व नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि अलविदा की नमाज़ घरों में रहकर ही अदा करें। क्योंकि पूरे मुल्क में ही लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, उससे बचाव के लिए कहा गया है कि कम से कम 5 लोग तक नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है मुल्क में। तो हम लोग भी जो अलविदा की नमाज़ कल होगी 1 बजे, उसमें 5 लोग ही इमाम सहित होंगे। और पूरे मुल्क के लोगों से अपील की जाती है कि कल बजाय जुमे के जोहर की नमाज़ अपने घरों पर ही अदा करें, बेवजह बाहर न निकलें। पूरी तैयारियाँ की गई हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसमें सभी को अपने अपने घरों में ही नमाज करने के लिए कहा गया है, तो सभी लोग तैयार हैं। और क्योंकि COVID-19 का जो कारण है, इसकी वजह से सभी से प्रशासन भी अपील करता है, मैं भी अपील करता हूँ कि सब लोग अपना धर्म पूर्वक अपने घरों में नमाज अदा करें तथा अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को। हरदोई तक भी आप सभी से अपील करता है कि घरों में रहकर ही नमाज अदा करें और प्रशासन का सहयोग करें। हरदोई से आमिर खान की रिपोर्ट।